हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और गार्जियन ऑफ गैलेक्सी टाइटन में सांस ले पा रहे थे, जिसके जवाब में आप में से कुछ कहेंगे कि जब थैनोस रियलिटी स्टोन का यूज करके टाइटन के पहले के दृश्य को डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखा रहा था, तब हम पीछे में पेड़ पौधे देख सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन जरूर होता होगा, और जहाँ पर भी ऑक्सीजन होंगे वहाँ पर तो ह्यूमन सर्वाइव कर ही सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर आप ये जवाब देते हैं तो आप पार्शियल सही हैं, क्योंकि हमने जो उस वक्त देखा था वो टाइटन के तबाही से पहले की तस्वीर थी। तबाही के बाद टाइटन रहने लायक नहीं था। तो गाइस, इसका सही जवाब हम लोगों को मिला थैनोस टाइटन कंज्यूम नामक बुक से, जिसमें बताया गया है कि जब थैनोस ने टाइटन वासियों को वार्निंग दी कि टाइटन तबाह हो जाएगा अगर उसकी बात नहीं मानी गई, तो उसे वहां से निकाल दिया गया। और जब वो सालों बाद अपनी पूरी आर्मी तैयार करके वापस टाइटन आया, तो वहाँ के वो आउटर स्पेस से उसने देखा कि टाइटन की क्या दुर्दशा हुई है। टाइटन का हाल इतना बुरा था कि वहाँ पर रेडिएशन और पोल्यूशन इस लेवल तक थे कि वहाँ पर कोई भी जीव जंतु बाकी नहीं था। लेकिन फिर भी थैनोस को ये उम्मीद थी कि टाइटन प्लैनेट के सबसे बड़े साइंटिस्ट यानी कि उसके डैड अभी भी जिंदा हो सकते हैं, इसीलिए उसने अपनी चितौड़ी आर्मी को कॉन्टेमिनेशन सूट पहनाकर टाइटन को साफ करने के लिए भेजा, ताकि खुद थैनोस टाइटन में उतरकर अपने डैड को खोज सके। और जैसे ही चित्तौरी आर्मी ने वहाँ पे जितने भी पॉल्यूशन और रेडिएशन थे उसका खात्मा कर दिया, थैनोस वहाँ नीचे आकर अपने डैड को खोजने लगा। और स्टोरी के इस पार्ट में ही हमारे सवाल का जवाब है, और वो ये है कि थैनोस ने चित्तौरी आर्मी की मदद से टाइटन में जितने भी पॉल्यूशन थे उसको साफ कर दिया और उसे इस लायक बना दिया ताकि वो वहाँ पर आ जा सके और उसे रहने लायक बना सके। भले ही वहाँ रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन उसे सांस लेने लायक जैसा प्लैनेट बना दिया था, और यही वजह थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज, टोनी स्टार्क, स्पाइडरमैन और गार्जियन ऑफ गैलेक्सी वहाँ पर सांस ले पा रहे थे। अब कुछ लोग यहाँ पर ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि मार्वल की मूवीज़ में कुछ लॉजिक नहीं बनता, और वो इसलिए क्योंकि थैनोस तरह तरह के प्लैनेट में जाता है लेकिन उसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मानो हर जगह का एटमॉस्फेयर सेम था। वहीं अगर आप डीसी मूवीज़ को लें तो जैसे ही जनरल जॉर्ड अर्थ आता है तो उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और वहाँ का वातावरण उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही जल्द अडैप्ट करके सुपरमैन को टक्कर दे देता है। तो गाइज, यहाँ पर मार्वल वर्सेस डीसी कंपैरिजन करने से बेटर आप उसके प्लॉट को समझें। मार्वल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि डीसी में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि सुपरमैन को जो पावर्स मिलती है उसकी ओरिजिनेशन उस प्लैनेट शिफ्टिंग से ही है। क्रिप्टॉन एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटी लेवल थोड़ी हाई है, और वहीं अर्थ में उस कम है, प्लस यहाँ पर येलो सन है जिसके वजह से सुपरमैन को पावर्स मिलते हैं। तो आई होप अब आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अपना ख्याल रखें, लोगों की मदद करें और कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं।